डांटती है मेरे भाई को, तो वो मुझे परेशान करता है। तो मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि वीडियो 24 घंटे नहीं बनती है। फोन चलाना अच्छा लगता है आपको? आपका फेवरेट गेम कौन है? हर कोई एक वीडियो क्रिएटर बनता जा रहा है, तो ये बेनिफिट है या फिर लॉस है, कैसे देख पाए? इसका बेनिफिट भी है और इसका लॉस भी है। लेकिन सोशल मीडिया पे वो अपनी वीडियो बना के डाल देते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं उनकी वीडियो वायरल होती हैं। तो सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, फिर हम लोग वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद फिर अब उनके ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो कहते हैं कि हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, और यकीनन आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे बच्चे अपना हुनर दिखा रहे हैं, ये हुनर न सिर्फ उनको आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है, बल्कि उस शहर को भी आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है। लेकिन आज हम बात ये क्यों कर रहे हैं, ये चर्चा करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक वो हस्ती मौजूद है जो महज 5 वर्ष की है, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से तहलका मचा करके रखा हुआ है, और लगातार इनके फैन फॉलोवर्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि आज के समय ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग में भी आ रहे हैं। और ये जो छोटे से बच्चे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये अबान हैं जो हमारे साथ में हैं, और इन्हीं के साथ अगर बात की जाए तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। राधिका, तो इनसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें, ये छोटे से जो अबान जी हैं, ये अबान केवल दिखने में छोटे हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला जो खिताब है ना, इन्होंने अपने सर पर ले रखा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, और क्या कुछ है सोशल मीडिया पे कैसे आने का सोचा, वो बहुत सारे तमाम सवाल हैं जो हम इनसे भी बात करेंगे, और इनके साथ वीडियो में नज़र आने वाली इनकी मौसी जो हैं उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अबान, आपसे बात करेंगे, आपको वीडियोज़ बनाना कितना पसंद है? बहुत बहुत। तो केवल फोन में लगे रहते हो या स्टडी भी करते हो? पढ़ाई करते हो? किस क्या टाइम रहता है पढ़ाई का? हाँ, पढ़ाई का क्या टाइम रहता है? बोलो। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते हो? कौन से क्लास में हो? आर्टिफ टू में। अच्छा, वीडियो जब बनाते हो तो स्क्रिप्ट तैयार करते हो या ऐसे ही अपने आप शुरू हो जाते हो? बोलो ना। स्क्रिप्ट कौन लिखता है? मासी। चलो, तो ये हमारे साथ जो अबान जी हैं, जो अभी तो चुप हैं, लेकिन जब आप इनके वीडियोस देखेंगे तो एकदम तहलका मचाते हुए नजर आ रहे होंगे, तो इनकी मासी से भी बात कर लेते हैं। राधिका जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इन सारी चीजों की शुरुआत हुई, और कैसे ये ख्याल आया कि 5 साल का बच्चा इतना हुनरदार? सबसे पहले शुरुआत हो गई थी। जी। अबान सिर्फ 5-6 महीने का था, तभी से वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। राधिका जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख पा रही हैं, क्योंकि लगातार इन सारी चीज़ों में देखा जाए तो आज हर कोई एक वीडियो क्रिएटर बनता जा रहा है, तो ये बेनिफिट है या फिर लॉस है, कैसे देख पा रही हैं? इसका बेनिफिट भी है और इसका लॉस भी है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होना इसका बेनिफिट ज़्यादा है और लॉस कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट है, जो कहीं जा नहीं पाते, किसी को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सकें, तो सोशल मीडिया पे वो अपनी वीडियो बना के डाल देते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं उनकी वीडियो वायरल होती हैं, और उनका जो टैलेंट है पब्लिक देख के बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उन्हें सक्सेस भी मिलती है। बिल्कुल। तो जब अबान का आपने पहला वीडियो डाला तो क्या कुछ उसका रिएक्शन निकला था अबान के एक्शन के बाद? अबान का जो पहला वीडियो डाला, अबान का रिएक्शन या पब्लिक का रिएक्शन? पब्लिक का रिएक्शन, मतलब मेरा सवाल ये है कि अबान ने जब अपना एक्शन दिखाया प्लेटफॉर्म पे, तो लोगों के क्या क्या रिएक्शन आया? पब्लिक का तो बहुत प्यार आया, क्योंकि अबान बहुत क्यूट था, तो एक क्यूट से बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार दिया ना लोगों ने, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, क्यूट तो ये बहुत है, क्योंकि मैंने आकर के मैंने बोल दिया इससे मुझे फ्रेंडशिप करनी है। अच्छा राधिका जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आज के टाइम पे बच्चे जिस तरीके से फ़ोन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे इसका तो एक टैलेंट है, लेकिन उस बीच में स्टडी कैसे मैनेज होती है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि स्टडी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, लेकिन स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो ऐसे ही अबान का है, सबसे पहले जब अबान उठता है तो सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, फिर हम लोग वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद फिर अबान के ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो अबान को ट्यूशन, तो हम
कुछ भी करें, वीडियो शूट करें, लेकिन स्टडी पहले नंबर पर रहती है। अच्छा, तो मतलब अबान की स्टडी पे भी कोई इफेक्ट इस सारी चीज़ों का नहीं होता है। अच्छा, क्या कभी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कमेंट्स देखने को मिले कि इस तरीके की भी चीज़ें आपको कमेंट्स के जरिए मिल रही हो, लोग बोल रहे हों? क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना, जो आपके व्यूवर्स होंगे वो लगातार ये सवाल उठाते हैं, छोटा बच्चा है स्कूल को लेकर के, तो ऐसा कभी हुआ क्या? हाँ, ऐसा तो बहुत होता है। कमेंट्स आते हैं, लोग बोलते हैं आप वीडियो बनवा रहे हो, पैसा कर रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि वीडियो 24 घंटे नहीं बनती हैं। 24 घंटे के हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। वीडियो का हमारा 2-3 घंटे का टाइम रहता है शूट का, उसके बाकी जो घंटे होते हैं वो अबान पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर करता है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पढ़ाई पर। बिल्कुल राजिका जी, ये सारी चीज़ें जब मैनेज करती हैं तो अगर देखा जाए दिन के 24 घंटे, उन 24 घंटे में कितना टाइम इन वीडियोस को क्रिएट करने के लिए जाता है और कितनी मेहनत लगती है? क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो जिस तरीके से फॉलोवर्स होते हैं हमारे, और जो उसमें जिन लोगों को नहीं पसंद आता है, जैसे आपने बताया कि इस तरीके के भी कमेंट्स आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं बताना चाहती, मतलब आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना टाइम आपको लगता है एक वीडियो क्रिएट करने के लिए, जो हवाबाजी की जो बातें हैं जो कमेंट्स में आ जाती हैं? वीडियो को क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट जो होता है भाई, मैं कहना चाहती हूँ कि वो लिप्स, दो तरीके के कंटेंट चलते हैं इंस्टाग्राम पे, एक तो लिपसिंग और एक ओरिजिनल। लेकिन ओरिजिनल में जो लगता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक वीडियो क्रिएट करने में कम से कम अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बना रहे हो तो 1 घंटा भी लग जाएगा, 2 घंटे भी लग जाएंगे। प्लस वो तो वीडियो बन गई, अब उसको एडिटिंग करने का टाइम आता है, उसमें भी इतना ही टाइम लगता है एक वीडियो एडिट करने में। अच्छा राजिका जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि अबान का जो है बचपन का टैलेंट था, लेकिन फिर इसको हवा कैसे दी गई? क्यों, क्या सोच में आया कि नहीं अगर हम इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म हो गया, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें हमको बहुत अच्छी सारी चीज़ें मिलेगी? क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो 40 लाख के ऊपर फॉलोवर्स अबान के हो चुके हैं इस समय। ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग इस पे सोशल मीडिया पे आएंगे या फेमस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस हम लोगों ने वीडियो डाली, वायरल हुई, अब हमें पब्लिक से प्यार मिला, तो हमें लगा क्यों नहीं, हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं और बहुत कुछ करने के बाद ही यहाँ पे बैठे हैं। अभी आगे का क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ सोच रही हैं, कैसे और क्रिएटिविटी लानी है और अबान को और कितना हाइप पे पहुँचाना है? अबान का तो अभी करियर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उसको पता भी नहीं है कि सोशल मीडिया पे मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। कोई पूछता है सेल्फी लेनी है, अच्छा अब समझ में आया वो भी अबान को कि हाँ ये मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी करियर में अभी तो वीडियो का है, बाकी बड़े होते होते जो भी अबान की मेंटेलिटी बनती जाती है वो उसी को फॉलो करेगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है इसके साथ, जो ये करना चाहता है वही करेगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी मैं आपके बारे में पढ़ी रही थी तो मुझे पता चला कि आप इसकी मासी हैं, तो मासी से मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मासी को माँ समान भी समझा जाता है, बल्कि होती है मासी माँ समान, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को देखा और इसके साथ लगने का सोचा, या किसी ने आपको अप्रोच किया, पेरेंट्स ने इनके अप्रोच किया, क्या कुछ कहानी है वो भी मैं जानना चाहती हूँ। तो कहानी ये है, बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी। तो वीडियो पे ऐसा था, सोशल मीडिया पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि 13 साल से छोटा बच्चा वीडियो नहीं बना सकता। तो अबान का क्या था, अबान ही वीडियो बनाता था, मैं नहीं बनाती थी। तो हमारे जो अकाउंट्स थे वो सोशल मीडिया ने बंद कर दिए थे कि इसमें बच्चा है नहीं आ सकता। तो उसके बाद अबान के पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि तुम बनाओ और तुम्हारे अंदर दिखता है कि तुम कर सकती हो। तो तब से मैं अबान के साथ आई और हमारी जोड़ी को पब्लिक ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियोज़ जो हैं इतने धमाकेदार रहते हैं। जब मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो मैंने खुद वीडियोज़ देखी और वीडियोज़ देखने के बाद लगा कि आपकी जोड़ी सुपर डुपर हिट है। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, इन सारी चीजों को जब मैनेज करते हैं तो क्या कुछ कठिनाइयां आती हैं, दिक्कतें कहां कहां पे आती हैं? क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, कैसे सारी स्क्रिप्ट्स को रेडी करता है और कैसे, क्योंकि पब्लिक तो रिजल्ट देखती है लेकिन रिजल्ट के पीछे की मेहनत भी मैं जानना चाहती हूँ। जैसे हमारा कोई कॉन्सेप्ट है, हमने सोचा कि हमें अभी पुलिस की वीडियो बनानी है, तो उसके लिए हमें अब हमारा पूरा गेटअप चाहिए, सारा सामान चाहिए, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, सारी चीजें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है लेकिन हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये थॉट प्रोसेस किसका रहता है, मतलब किसकी क्रिएटिविटी रहती है कि अगर हम इस तरीके की वीडियोस डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक पसंद करेगी? वो हमें पब्लिक से पता चलता है कि आखिर पब्लिक चाह क्या रही है। अच्छा। हमें लगता है कि हाँ पब्लिक को अपना अलग देना चाहिए, तो पब्लिक उस पर प्यार भी दिखाती है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्यार नहीं दिखा रही, अगर हम कुछ और नया डालेंगे तो वो पब्लिक का रिएक्शन हमें बता देता है, फिर हमें लगता है कि अब हमें कुछ और अलग करना चाहिए। तो बहुत बिल्कुल राजिका जी, मैं एक वीडियो भी देख पा रही थी अभी आपका, रिसेंटली अभी मैं बैठ करके ही देख रही थी कि आप मम्मा का रोल निभा रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं और अबान कह रहा है पानी ले आओ,
लेकिन उसके बाद कहते हैं थप्पड़ मारने आ रहे हो तो पानी लाओ, तो उसका कैसे कैसे तैयारी करी उन सारी चीज़ों की? वो तो बस माइंड में आता रहता है, क्योंकि मैंने एक बार अबान से पानी मांगा भी था। मैंने कहा था पानी ला दो अबान, अबान ने बोला नहीं मैं नहीं ला रहा। मैंने कहा अबान थप्पड़ मारूंगी मैं तो, ठीक है ना, वहाँ से उठ के आ रहे हो तो पानी भी ले आओ। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ जो कंटेंट देखते हैं वो रियलिटी के भी कुछ केसेस होते हैं जो एक कॉमेडियन के रूप में आते हैं। अच्छा, कॉमेडियन ही क्यों चुनी, कॉमेडी ही प्लेटफॉर्म क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं डांसिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो फिर कॉमेडियन बेस पे ही क्यों गया? कॉमेडी में जाना भी एक अलग है, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत दुखी हैं, सब लोग रोते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में टेंशन है, बस खुश होने का बहाना चाहिए इंसान को। तो मुझे लगता है हम कॉमेडी के थ्रू ना इंसान को, रोते हुए इंसान को हंसा सकते हैं, तो बस लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही हमारा मेन मकसद है, इसलिए हमने कॉमेडी ही चूज़ की। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूँगी राजिका जी, आगे का क्या कुछ सोचा है, कैसे और सारी चीज़ों को क्रिएट करना है, क्या कुछ ख्याल है वो भी जानना चाहूँगी। आगे का देखते हैं अभी आगे और क्या क्या मिलता है। अभी ऐसे कुछ सोचा नहीं है जहाँ तक डेस्टिनी ले जाए, पर हम मेहनत पूरी करेंगे, पब्लिक से कनेक्ट रहेंगे, पब्लिक हमें प्यार देती रहेगी और उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा अबान, क्या मैं हम आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बात करो। बात करें हम लोग, थोड़ी थोड़ी बात करें? नहीं। आपके तो फॉलोवर्स, फिर फैन फॉलोइंग कहेंगे अरे अबान तो कैमरे पे बोलते ही नहीं है और ऐसे तो रील्स बनाते समय इतना बोलते हैं। अच्छा, रील्स के लिए जो कंटेंट होता है, जो मासी आपकी बताती है, वो याद हो जाता है? कितना टाइम लगता है इसको याद करने में? कितना टाइम लगता है इसको याद करने में? बहुत टाइम लगता है। अच्छा, फोन चलाना अच्छा लगता है आपको? आपका फेवरेट गेम कौन सा है? GTA 5। कितना खेलते हो इसे? बहुत, लेकिन अब नहीं खेलता। क्यों, आप क्यों नहीं खेलते? क्योंकि मैं मोबाइल चलाता हूँ। अब मैं मोबाइल चलाता हूँ इसलिए, तो फोन में ही तो होगा ना वो भी गेम? गेम फोन में नहीं चलता, वो PS5 में चलता है। किस पे चलता है? PS5 पे चलता है। तो इसलिए अब आप रील्स बनाते हो इसलिए अब गेम नहीं खेलते हो, कि मम्मा डांटती है गेम नहीं खेलना है? हाँ, मम्मा डांटती है मेरे भाई को, वजह से वो मुझे परेशान करता है। अच्छा, भाई परेशान करता है आपको? हाँ। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल दो है ना। हाँ। इस वजह से वो मांगता है तोड़ने के लिए। अच्छा, मम्मा किसकी साइड लेती है, भैया की या आपकी? हाँ? मम्मा किसकी साइड लेती है, भैया की या आपकी? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। क्यों किसको डांटती है? मुझे। आपको डांटती है? दोनों को डांटती है। हाँ। अच्छा, तो आप गेम से ज्यादा वीडियो बनाने में पसंद करते हो? हाँ? हाँ। अच्छा, वीडियो बनाना ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई करना? पढ़ाई करना और वीडियो बनाना, दोनों ही चीज अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, आपको बुक दे दी जाए और फोन दिया जाए, तो सबसे पहले आप क्या चुनोगे, क्या चीज पहले काम करना चाहोगे? किसको देख रहे हो? मम्मा को? मम्मा बताएंगी, आप बताओ। भाई मुझे तो फोन चलाना पसंद है, मैं तो फोन चूज करूंगी। आप क्या चूज करोगे? मैं फोन। ये बात, फोन यूज करेगा। तो ये हमारे साथ अबान और उनकी मासी राजिका थी, जिनसे बात करी। अभी अबान बहुत छोटे हैं, महज उनकी 5 वर्ष की उम्र है, लेकिन उस हिसाब से बच्चे जिस तरीके से आज अपने हुनर को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उतार रहे हैं और खुद के टैलेंट को निखार रहे हैं, वो काबिले तारीफ भी है। और यकीनन किस तरीके से सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल आने वाले टाइम पे और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ये साफ तौर पर भी एक एग्जांपल है। रही बात जो लगातार ये सवाल उठते हैं कि स्टडी को लेकर के कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं बच्चों की, तो उसको भी लेकर के हमने सारी बात करी। और यकीनन तौर पर अबान और राजिका जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले टाइम पर सोशल मीडिया की जो पॉजिटिविटी है उसको भी कहीं ना कहीं उजागर करती आ रही हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर, कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी। तो जैसे अभी आपने अबान को सुना कि अबान किस तरीके से अपने वीडियोस बनाते हैं और किस तरीके से अपने फैंस को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे, यानी कि जो आप रिजल्ट देखते हैं, लेकिन रिजल्ट के पीछे की मेहनत क्या होती है,
उन्हीं की टीम से जानेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार कैमरा घुमाते हुए उस टीम को दिखाएं जो अबान की सक्सेस की पीछे की कहानी लिखते हैं, उसको एक नई इबारत पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे चलते हैं, सबसे पहले इनसे नाम जानते हैं और फिर सारी चीज़ों को जानते हैं कि किस तरीके से टीम वर्क होता है और किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नई तकनीकी को आगे बढ़ाने का प्रयास होता है, एक नए टैलेंट को उभारने का प्रयास होता है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आमिर मलिक। तो आमिर जी, मेरा सवाल यही है कि किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, क्योंकि अबान तो बहुत छोटे हैं और उनका टैलेंट भाई बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। देखिए, हम स्क्रिप्ट बताते हैं अबान को, लेकिन जो टैलेंट है वो अबान के अंदर छुपा हुआ है। जो बोलने का डायलॉग है, हम उसकी आवाज़ नहीं बदल सकते, तो हम स्क्रिप्ट बताते हैं लेकिन करता वही है, तो उसका टैलेंट हम निखारते हैं, लेकिन टैलेंटेड अबान है। अच्छा, हाँ। कितना टाइम लगता है उसको स्क्रिप्ट रेडी करने में? ऐसा होता है कि उसके मूड पे डिपेंड होता है। बच्चा है, अब मान लो उसे खेलने का कुछ सामान दिख गया, झूला दिख गया, तो वो झूले पे भागेगा, तो हम उसे कन्वे करेंगे कि वीडियो बना लो, मतलब उससे करवाएंगे हम अच्छे से। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है। अच्छा, तो मतलब कन्वे करने में भी सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, और वो अपलोडिंग तो बात की बात है। वो बात की बात है, वो हम सब, ये हम, हमारी टीम है, हम सब करते हैं। अच्छा, अब तो जैसे कन्वे, आपने बताया कि कन्वे करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें तो चलिए अलग हो गई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखते हैं और उसमें जिस तरीके से आज के समय बच्चा हो या कोई भी हो इतना आगे बढ़ रहा है, टीम की मेहनत क्या होती है, टीम की बॉन्डिंग किस तरीके से क्रिएट होती है और कैसे आप लोग सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? हम लोग सब इसके पहले तैयार करते हैं अपनी अपनी, मतलब रात को सोचते हैं या दिन में सोचते हैं, और फिर ये भी डिसाइड करते हैं कहाँ जाकर बनानी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, जैसे कि डॉक्टर का रोल लेना है या रेस्टोरेंट में जाना है, बहुत सारी भीड़ लग जाती है क्योंकि देखने के लिए परेशान करते हैं लोग, तो उसे भी मैनेज करना पड़ता है हमें। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो लगती है कंटेंट बनाने में, बाकी सब। अच्छा, मतलब थॉट प्रोसेस जो है आप ही लोगों का सारा रहता है? हम लोगों का ही रहता है, जो डेली लाइफ में चलता है हमारी। हम लोग खाना खा रहे हैं बैठकर, कोई हमने किसी ने बात बोल दी, अचानक से बात बोल दी, हमने उसे कैप्चर कर लिया और नोट डाउन कर लिया कि इसे थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे। तो सबकी टीम का तो एक बॉन्ड होता है, एक चैन जुड़ी होती है, सब एक दूसरे के सहारे चलते हैं, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक वीडियो शूट हुआ, शूट होने के बाद पब्लिश हुआ, ठीक है, थॉट प्रोसेस से लेकर के सारी चीज़ें जो हैं एंडिंग तक जाती हैं, मतलब कि जो हम रिजल्ट इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, तो उसके पीछे कितने घंटे आप लोगों को लगाने पड़ते हैं? आप रिजल्ट की बात कर रही हैं या मेहनत की बात कर रही हैं हमारी? देखिए, रिजल्ट का तो क्या रहता है कि वो हमने कोई वीडियो बनाई, अब हम ऐसा है कि हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो वायरल हो, पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक की डिमांड है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, तो बस हम लोग मेहनत पे ध्यान देते हैं। और मेहनत, आप ये पूछ रहे हैं कि एडिटिंग में कितनी लगती है, तो वो शूट करना, एडिटिंग करना, वो तो आपको सबको ही पता है, इसके ज़माने में सभी क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो मेहनत तो काफ़ी सारी है। लेकिन आप, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसे बाहर निकालिए, डांस है, सिंगिंग है या कॉमेडी की, कुछ भी करना चाहते हैं XYZ, तो उसे निकालिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसके लिए आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी के लिए बहुत अच्छा है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि किसी का टैलेंट होता था तो वो रुक जाते थे, जैसे DID में जाना या ऐसे, मतलब एक शो होते थे, उसमें जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, काफ़ी सारी प्रोसेस होते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, हमने फ़ोन लिया और हमने टैलेंट को दिखाया उसमें, मतलब शो करा, तो पब्लिक अगर उसे पसंद करती तो आप आगे जा सकते हो। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, आप तो हमें नहीं जानती थी, आप कैसे जानी हमें आपके वीडियोस देखकर, सोशल मीडिया से देखकर? हाँ, तो बस यही है, आप खुद देखिए कि आप सोशल मीडिया के थ्रू हमें जानते हैं, आपने हमें यहाँ बुलाया तो हमारा टैलेंट बाहर आया, अब और लोग देखेंगे, तो ऐसे ही है सोशल मीडिया का। तो कब से शुरुआत हुई इन सारी चीज़ों की? 2017 से शुरुआत हुई। हम लोग पहले सॉन्ग बनाते थे, हम सभी सॉन्ग बनाते थे, जैसे सॉन्ग होते हैं उसमें कोरियोग्राफी करना, ये सब करा, फिर उसके बाद में लिपसिंग होते हैं, लिपसिंग भी करा हमने, फिर उसके बाद में शाहरुख भाई हैं ज़ियान शफी राउंड 12 टीम से, तो वो कॉमेडी बनाते हैं, ये अबान के फादर हैं, उनके फ्रेंड है वो। अच्छा। तो उन्हें देख कर हमें इंस्पिरेशन मिलती थी कॉमेडी करें। अच्छा, तो मतलब यही सारी सोच के साथ ही ये हुआ कि अबान से हम कॉमेडी वाले ही कंटेंट। हाँ, फिर ना सबने सोचा, उन्होंने भी हमें इंस्पायर किया कि आप कॉमेडी बनाओ, ये अच्छी है, तो हमारे अंदर स्किल तो थे, वो हमने बाहर निकाले। हाँ। तो बस ऐसे करके आगे बढ़े, मतलब इस तरीके से टैलेंट अबान का निखर करके सामने आ रहा है। कब से आप लोग काम कर रहे हैं? जैसे इन्होंने बताया 2017 से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो आप लोग की टीम एक साथ ही काम कर रहे हो तब से? हाँ,
जब से हम साथ में कर रहे हैं वैसे तो काम। सबसे पहले मैं आपका नाम भी जानना चाहूंगा। कबीर मलिक। एक्चुअली ये मेरे हम दोनों भाई हैं। भाई हैं। अच्छा, आप दोनों। हाँ, ये एल्डर ब्रदर और मैं यंगर। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो दो भाइयों का भी टैलेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें अबान के साथ साथ। और ये हमारे फ्रेंड है, मतलब हमारी टीम है चार जनों की। अच्छा। और भी हैं, जैसे एक नदीम नाम का बंदा है। ये टीम कैसे इकट्ठी हुई मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मुझे मजा आ रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है? काफी सारे लोग आते हैं, मेहनत नहीं कर पाते वो, तो वो पीछे हट जाते हैं। बस आगे वही बढ़ता है जो रोड पर चलता है। हमेशा मंजिल वही पाता है जो रोड पर चलता है। घर बैठे मंजिल नहीं मिलेगी, चलते रहेंगे तो कभी तो सफर मंजिल देगा ही। अच्छा, तो किस तरीके से चीजें हुई? बिल्कुल मैं स्टोरी जानना चाहती हूँ, बताइए आप कैसे मिले। वो क्या बोलते हैं, अवान के फादर जो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। फिर हमारी बॉन्डिंग अच्छी होने लगी, फिर हमने सोचा साथ में वर्क करते हैं, तो उसी फिर हम वीडियो बनाने लगे साथ में। फिर हमारा बॉन्ड एक फैमिली की तरह हो गया, अब तो हम फैमिली की तरह रहते हैं। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से आप लोगों की पूरी टीम क्रिएट हुई। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज के समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टैलेंट की भीड़ लगी हुई है। हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, कंटेंट वीडियो एडिटर बनना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है। तो उसमें क्या कभी नर्वसनेस आई कि चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी, क्या ऐसा सोचा था कभी? हाँ, ऐसा तो काफ़ी बार होता है, उतार चढ़ाव तो आते हैं, और फैमिली प्रेशर भी होता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली सपोर्ट करती है इस चीज़ को, फैमिली एकदम से सपोर्ट नहीं करती। फैमिली क्या चाहती है, स्टडी करे, जॉब करे, बस इनफ है इतना। जैसे कि मैंने फार्मेसी की है, फार्मेसी 2 में फार्मेसी करता था, मतलब लास्ट ईयर मेरी कंप्लीट हुई है, तो मैं बता रहा हूँ आपसे 2017 से मैं कर रहा हूँ, तो साथ में मैं स्टडी भी कर रहा था। हाँ। तो वही है कि फैमिली तो यही चाह रही थी, और फिर मेरा टैलेंट था, मैं वीकली टाइम दिया था सबके साथ। हाँ। बस ऐसे ही आगे बढ़े आज। मतलब अगर देखा जाए इस टीम में केवल एक टैलेंट नहीं, मुझे 1, 2, 3, 4 पूरा जो जितनी आपकी टोटल कितनी टीम है? टोटल हम 5 लोग हैं। मतलब कि 5 लोगों का टैलेंट उभर करके अबान के वायरल हो रहे हैं। हाँ। अबान के जरिए, अबान के जरिए। अच्छा, मतलब कि अबान के जरिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सारी चीज़ों को देखते हुए, सब कुछ सोचते हुए, स्टडी को लेकर के अबान को कि लोग बोलते होंगे, अभी मैंने उससे भी ये क्वेश्चंस किया था, तो उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें? स्टडी अबान पहले तो छोटे थे, अभी 5 ईयर्स के हैं, तो अभी 2 साल पहले एडमिशन कराया था इनका, तो ये बचपन से फेमस है, स्टार तो पैदा ही हुए थे, तो स्टडी पर इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जैसे लोग सोचते होंगे बच्चे को बिगाड़ दिया, ऐसे कमेंट आते हैं बच्चे को बिगाड़ दिया, बिगाड़ा नहीं है हमने, स्टडी भी कर रहा है वो, ट्यूशन जाता है, स्कूल भी जाता है, बाकी प्रे भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, सब चीज़ सिखाते हैं, तो बाकी आगे ऐसे बढ़ेगा, ऐसी कोई बिगाड़ने वाली बात नहीं। सवाल लूँगी, ये जानना चाहूँगी कि आगे क्या कुछ सोचा है और कौन कौन से वीडियो को नए एंगल देने हैं, क्योंकि कॉमेडी है, कॉमेडी को ही आगे बढ़ाना है, या फिर और अलग से कुछ क्रिएटिविटी अबान के जरिए देखने को मिलेगी आप सबके टैलेंट की? मैम देखिए, ऐसा है कि पब्लिक कुछ नया मांगती है ना, अब हम रास्ते पर तो चल रहे हैं, मंजिल क्या पता कहाँ पर मिले, मतलब मंजिल तो मिलनी नहीं है, हमें मेहनत करनी है। आगे कुछ और होगा कॉमेडी के अलावा भी, तो हो सकता है हम चेंज करें थोड़ा, मगर मेन कॉमेडी ही रहना है हमें। मेन मतलब कॉमेडी ही बेस रहेगा, और जिसके जरिए बाकी आगे जो भी कंटेंट होगा ऑडियंस के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। एक देखते हैं, दो देखते हैं, ऐसी लाखों बनते हैं, तो हर एक आदमी का, हर एक सपोर्टर का हम सपोर्ट करा उसने, तो हम यहाँ आकर बैठे, तो ऑडियंस के लिए थैंक यू सो मच, आगे भी हमें सपोर्ट करिए, दिल से शुक्रिया। और हमें बहुत से पॉजिटिव सपोर्टर होते हैं जो हमें हमारी स्टोरी भी लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं, आज हमारा इंटरव्यू हुआ तो वो बहुत खुश होंगे, लेकिन कुछ हेटर्स भी होते हैं। बिल्कुल, तो है ना, तो ये तो सब में ही होता है, तो हेटर्स के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि हेटर्स सबसे पहले देखते हैं वीडियो। मतलब आपके चाहने वाले देखे ना देखे वो चीजें टल सकती है, लेकिन हेटर्स बहुत पहले जरूर देखते हैं, हेटर पहले उठेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आज इन्होंने क्या कंटेंट दिया, अगर लगता है कि कुछ कंटेंट ज्यादा अच्छा नहीं है तो वो कहेंगे हाँ कर रहे होंगे, मतलब ऐसा। लेकिन अंदर ही अंदर हेटर्स सोचते हैं ये बहुत अच्छा किया, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रही थी कि सीसीटीवी कैमरे की तरह होते हैं। हमारे घर वाले एक बार को हमें देखे ना देखे, लेकिन हेटर जरूर देखेंगे। हेटर को तो भाई दिल से शुक्रिया है, सच में ऐसा प्यार कर रहे, नफरत कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। किसी को पर्टिकुलर नहीं कहा है, ये सब में होता है, पॉजिटिव निगेटिव सब में होते हैं।
हैं, कोई बात नहीं आज ना। तो देखिए बहुत ही अच्छे अंदाज में जो अबान की टीम है उन्होंने बात किया। और देखिए केवल एक टैलेंट नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी जब मैं इन टीम से मिली और इन टीम के साथ जब चर्चा करी कि एक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसके जिस तरीके से मैंने अगर रिजल्ट का नाम लिया था तो आपने बताया था वो मेहनत है, उस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए पीछे कितने टैलेंट जुड़े होते हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। और यकीनन जिस तरीके से आज अबान बहुत अच्छा किया लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप बोल भी रही थी कि सीसीटीवी कैमरे की तरह उसे हमारे घर वाले एक बार को हमें देखे ना देखे लेकिन हेटर जरूर देखेंगे। आज हेटर्स है कल को वही फैन बनेंगे या मतलब वही हमें हमारी फैमिली बनेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंटरव्यू आता हमारे पास है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छे अंदाज में जो अबान की टीम है उन्होंने बात किया। और देखिए केवल एक टैलेंट नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी जब मैं इन टीम से मिली और इन टीम के साथ जब चर्चा करी कि एक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसके जिस तरीके से मैंने अगर रिजल्ट का नाम लिया था तो आपने बताया था वो मेहनत है, उस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए पीछे कितने टैलेंट जुड़े होते हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। और यकीनन जिस तरीके से आज अबान लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो उस अबान की मेहनत के पीछे ये कुछ 5 चुनिंदा लोग हैं जिसमें से अभी 3 हमारे साथ में हैं, तो इनकी जो मेहनत है, मजबूती है और वो कॉन्फिडेंस है और उसी के साथ ही साथ ये लगन है कि नहीं कुछ अलग करना है, कुछ अलग जो है दुनिया के सामने पेश करना है और यकीनन यही आगे बढ़ाता है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया पर, कैमरा पर्सन विनीत के साथ।